आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन इस साल ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत अक्टूबर में होगी। ऐसे में सभी टीमें इस अहम टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पैनी नजर रखे हुए हैं, ताकि वर्ल्ड कप से पहले एक मजबूत टीम तैयार की जा सके। भारतीय टीम मैनेजमेंट भी इस दिशा में लंबे समय से तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय खिलाड़ियों की पहचान लगभग कर ली गई है। विक्रम राठौर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में खेले जाने वाले तीसरे मैच से पहले कहा कि हालांकि T20 वर्ल्ड कप के लिए आखिरी क्षणों तक समायोजन जारी रहेगा, लेकिन जहां तक मेरी और टीम मैनेजमेंट की बात है तो हमने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की पहचान कर ली है। हम जानते हैं कि हमारी टीम कैसी होगी। अगर चोट या बेहद खराब फॉर्म का मामला नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक बदलाव होंगे। भारत मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले साल सितंबर से ही प्रयोग शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि टीम ने श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर और शिवम दुबे जैसे कि युवा खिलाड़ियों को फटाफट क्रिकेट के इस फॉर्मेट में मौके दिए। भारत की T20 टीम न्यूजीलैंड में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और युवा खिलाड़ी सफलता में अहम योगदान दे रहे हैं, जिससे बल्लेबाजी कोच काफी प्रभावित है। राठौर ने कहा कि क्रिकेटरों की नई पीढ़ी अविश्वसनीय है। वो जिस तरीके से तुरंत सामंजस्य बिठाते हैं वो वास्तव में हैरानी भरा है। वास्तव में अलग प्रारूप, अलग मैदान और अलग देशों में उतरते ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में जिस तरह से उन्होंने बहुत कम समय में परिस्थितियों से तालमेल बिठाया वो वास्तव में लाजवाब है। भारत ने राहुल और अय्यर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर शानदार मैच जीते। इस बारे में उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को जितने अधिक मौके मिल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि वो काबिल हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो मैच विनर्स हैं। इससे निश्चित तौर पर टीम को मदद मिलती है, साथ ही इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। राहुल और श्रेयस को लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो मैच विनर्स हैं। उन्हें अब मौका मिल रहा है और वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज के अगले 3 मैच हैमिल्टन, वेलिंगटन और माउंट मानगानुई में होंगे, जहां ऑकलैंड की तुलना में मैदान बड़े। उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड कप में लगभग बल्लेबाजों में कोई ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी, जो टीम इंडिया के लिए लंबे समय से बाहर हैं, उनकी भी वापसी पर अब पूरे तरीके से विराम लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग बैटिंग कोच ने ऐलान कर दिया है कि धोनी अब शायद खेलते हुए नजर न आए। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।